विद्यार्थियों, आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास का जो लेक्चर है वो है फंक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे। कार्बनिक अभिक्रियाओं में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरीके से रिएक्शन करता है और क्या उसकी उपयोगिता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। पिछली क्लासों में देखिए, अपन ने काफ़ी रिएजेंटों के बारे में पढ़ लिया था, एल्कोहली KOH, एक्वस KOH, PCl5, PCl3, SOCl2, KCN, AgCN, और इसी कड़ी में आज का जो रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिएजेंट के बारे में हमें पता होना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आती है हम उसे रट लेते हैं। जबकि रटने के बजाय हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हमें रिएजेंट की जो एप्लीकेशन है वो याद करनी चाहिए। फिर कोई रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, अगर उस रिएजेंट के बारे में हमें पता है तो हम वो रिएक्शन आसानी से करवा सकते हैं। जैसे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, ए को बी में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे वर्क करता है, किस फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करता है, किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये रिएक्शन हम इजीली कर सकते हैं, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसी कड़ी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या क्या वर्क करता है उसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी सी डबल बॉन्ड सी तथा सी ट्रिपल बॉन्ड सी का अपचयन नहीं करता। तो देखिए, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये अपचयन का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन का काम करता है, अपचयन का काम करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता। कुछ स्पेशल केस ऐसे हो सकते हैं अपवाद स्वरूप, जहाँ पे ये अपचयन कर देता हो डबल बॉन्ड का भी, वो हम अलग से स्टडी करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये इन दोनों का रिडक्शन नहीं करता। तो देखो किस तरीके से ये रिएक्शन करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो पहली रिएक्शन मैं इस कड़ी में ले रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए, इस तरीके से मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, आपके सिलेबस में भी है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हो गई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, तो इसे यूं ही रहने देंगे, इसका रिडक्शन नहीं करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका क्या करता है, ये अपचयन करता है। और आपको पता है, जब एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, एल्कोहल में। तो बस इसको एल्कोहल में परिवर्तित कर दो, तो ये रिएक्शन हमारे सामने आ जाएगी, किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया इसने इसको, एल्कोहल में। देखिए, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप कुछ भी दो, वो उस किस में रिडक्शन कर देता है, एल्कोहल में। एक दो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, वो बाद की बात है। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, 1 2 3 4, 2 3 अनसेचुरेटेड एल्कोहल हमारे सामने आ गया। IUPAC नाम क्या होता है आप सबको पता है, किस तरीके से अपन करते हैं वो डिस्कस अपन यहाँ नहीं करेंगे। दूसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCHO, वही सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, कुछ नहीं करना, बस इसको यूं ही रहने दो और इसको कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में। ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगर मान लो इस तरीके से दे दिया आपको और यहाँ लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कार्बोनाइल कंपाउंड की ही रिएक्शन है, जो स्पेशल जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने कहा कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, तो डबल बॉन्ड को यूं कहीं रहने दो, ये लो। और ये जो CO है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये OH में कन्वर्ट कर देगा, तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया। कितनी ईजी रिएक्शन है, हमें रटने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। अब देखिए, कुछ स्पेशल केस हैं जो हमें याद रखने हैं। देखिए, कभी कभी
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी अपचयन हो जाता है। कब हो जाता है? जब एक फिनाइल ग्रुप बीटा कार्बन पर लगा दिया जाता है। तो देखिए, अगर मान लो इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको, इसको मैं इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिख लेता हूँ। आपको यहाँ दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, हमने ऊपर पढ़ा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फिनाइल ग्रुप लगा दूँ बीटा कार्बन पे, तो ये जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन पे मैंने ये कि फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो अब क्या स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O की प्रेजेंस में हम इसका क्या करें, रिडक्शन करें। तो देखिए, ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 CH2 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 OH। ये तो सेम ही हो रहा है CH2 OH, जैसा पहले पढ़ा वहाँ पे, बस अलग अंत क्या चीज़ आ गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी अपचयन हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये किसके साथ में, इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है। देखिए, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होने लग जाता है। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और फिर वापस ये, तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसलिए इस डबल बॉन्ड का क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने रिडक्शन कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे साथ सामने आ जाए RC OH, ये क्या है, एसिड, और इसकी अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करा दूँ तो क्या बन जाएगा, RCH2OH। देखिए, एसिड को भी किस में कन्वर्ट कर दिया है इसने, एल्कोहल में, ये H2। और अगर मैं ले लूँ एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OR, और इसकी भी सेम यही रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बन जाएगा, RCH2OH, 2 मोल। कुछ नहीं करना, सब में क्या करना है, अपने को एल्कोहल बनाना है। इसी तरीके से अगर मैं एस्टर ले लूं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराऊं तो क्या बन जाएगा, RCH2OH+ROH, ये यहाँ से टूट जाएगा और इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके, एल्कोहल के। और अगर मैं एसिड क्लोराइड ले लूँ और ये रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, RCH2OH। तो बहुत इजी रिएक्शन है। एल्डिहाइड अगर मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH और यही रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो बस ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि जब फिनाइल ग्रुप के साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो उस केस के अंदर हम उस डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देते हैं, और अगर किसी दूसरे के साथ में आता है तो उसका रिडक्शन नहीं करते। इसी तरीके से यदि मैं ले लूँ कीटोन RC डबल बॉन्ड OR और इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होगा, कार्बोनाइल को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये बन गया लो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई इस तरीके का कोई कंपाउंड ले लूँ, ठीक है, ये भी क्या एस्टर ही है, साइक्लिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और तो यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ दो, ये लो, इसको ओ को एक बार यूं रहने दो और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पे एक OH यहाँ लगा दो और H यहाँ लगा दो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करता है, बस हाइड्रोजन सप्लाई कर दी, ये कंपाउंड बन गया अपने पास में। और अगर इसी तरीके से मान लो अपने पास में एक एक्सेप्शनल केस हो रहा है, CH CH2 OH, ये दे रखा है, इसको बोलते हैं प्रोपारगलिक एल्कोहल,
प्रोपारग्लिक एल्कोहल, और इसकी अगर रिएक्शन कराई तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OF। देखिए यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर दिया इसने, रिडक्शन कर दिया। ये वाला जो रिएजेंट है, ये वाला रिएजेंट काम में आता है सार प्लस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन में, एल्कोहल में। देखते हैं अपन इस रिएक्शन को, ये क्या है, प्रोपारग्लिक एल्कोहल, प्रोपारग्लिक एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इस प्रोडक्ट में। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड के अंदर। कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा इसका, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक रिएक्शन और है, अगर मान लो एमाइड ले लें RCONH2 और इसकी रिएक्शन करवा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो क्या होगा, तो RCS2NH2। देखो CO को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में, मतलब रिडक्शन कर दिया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे OH नहीं लगाना अपने को, ये क्या है एमाइड। अगर एमाइड ले लूँ मैं तो एमाइड का क्या बना देता है ये, एमीन, मतलब एमाइड को एमीन में रिड्यूस करता है, एमाइड एमीन में ही रिड्यूस होता है। और अगर इस तरीके से ले लूँ RC ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइड ले लूँ मान लो, तो क्या बन जाएगा RCS2NH2, और RNO2 ले लूँ तो ये बन जाएगा RNH2। तो ये सब रिएक्शन अपने को ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट हैं, और दूसरी जगह पे भी अपने काम में आती हैं, जहाँ पे भी अपन कोई रिएजेंट अगर आ रहा है एरो के ऊपर तो किस तरीके से रिएक्शन करवानी है, ये अपने को देखनी है। आगे की क्लास में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में देखेंगे।